ये फोटो ये, आपकी फोटोग्राफ गिर गई थी। बाय द वे, हुमैरा बचपन में बहुत क्यूट लगती थी। इनफैक्ट वो अब भी क्यूट है, लेकिन वो बिल्कुल भी वैसी नहीं दिखती जैसी बचपन में दिखती थी। बहुत डिफरेंट लगती है वो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसने इसने अपने आप को पहचाना नहीं। खुदा कसम, वरना आज तो सारे राज बेनकाब हो जाते। या अल्लाह बाजी, आप हमारी बात पे यकीन ही नहीं करते हैं। हमने आपसे कहा था ना कि हमारी किस्मत हमारे साथ है। अब देखिएगा, ये राज हमेशा राज ही रहेगा। ची 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 ची, हम इस कमरे में नहीं रहेंगे। अरे यहाँ तो दिन में भी बत्ती लगानी पड़ेगी। हमें तो ऐसा कमरा चाहिए जहाँ धूप आती हो। हम नहीं रहेंगे इस कमरे में। दादी जी, हमने आपको सारे कमरे दिखा दिए। अब ये कमरा, ये कमरा देखते हैं। हाँ दादी जी, यहाँ पे कुछ नहीं। यहाँ पे आप क्यों जा रही हैं अंदर? सीना में जाने तो देखने दो। सुनिए, रुको ना बड़ी। अरे अरे, तुम हटो यार। अरे बड़ी भी, मेरी बात तो। अरे यहाँ तो कोई है। खुशबू हो, वो फेमस मॉडल। अरे तुम लोग ने बताया नहीं खुशबू यहाँ है। अरे ये तो कितनी फेमस है। आप खुशबू को कैसे जानती हैं? अरे इसे कौन नहीं जानेगा। और इसकी शक्ल बिल्कुल निखत से मिलती है। नुसरत हमेशा इसके इश्तिहार दिखाती रहती है हमें। वो साबुन वाला, तेल वाला, आटे वाला, और अभी मुझे तुमने किया था ना जूते वाला, कितनी खूबसूरत लग रही थी उसमें। थैंक यू सो मच आंटी जी। सब हमें दादी कहते हैं। अगर तुम भी हमें दादी कहोगी ना तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ओके दादी। अरे हम तो यहाँ हमारे लिए कमरा ढूंढने आए थे। यहाँ तो एक भी कमरा ढंग का नहीं है। कमरा बड़ा हो लेकिन इतना भी बड़ा ना हो, खुला हो लेकिन इतना भी खुला ना हो, जिसमें हवा आती हो लेकिन इतनी भी हवा नहीं आती हो, जिसमें रोशनी हो लेकिन इतनी भी रोशनी ना हो, है ना? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने आंटी जी। जैसा दादी डिस्क्राइब कर रही है, आपका रूम तो बिल्कुल वैसा है। मेरा कमरा, पर उसमें तो वो अरे तुम्हारा कमरा। अरे चलो देखते हैं फिर। चलो चलो, बड़ी भी उसमें। अरे नहीं नहीं नहीं, हमको देखना, हम देख के आते हैं। अरे मेरी बात तो सुनो। बाय दादी। वो कौन? अभी वो नहीं, दूसरा कोना वहां पे। मिया, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये कोना गलत है, वो कोना गलत है, यहाँ से ठीक करो, वहां से ठीक करो, संभाल करते हैं आप भी। मैं बेडशीट बिछा रही हूँ, कोई बिल्डिंग नहीं बना रही हूँ। थोड़ा सा एंगल गलत हो गया तो बिल्डिंग गिर जाएगी।
आप ही कमाल करते, एक बेड ही तो है। एग्जैक्टली बेड है जिसपे सोया जाता है, पिज्जा नहीं खाया जाता। रियली? अगर आप बेड पे ऑफिस का काम कर सकते हैं तो मैं इस पे पिज्जा नहीं खा सकती हूँ। आप अपने बेड को ऑफिस टेबल बना सकते हैं तो मैं भी अपने बेड को डिनर टेबल बना सकती हूँ। ओके? मैं यहाँ ऑफिस का काम करता हूँ पर आपकी तरह अपना बेड गंदा नहीं करता। एक्सक्यूज मी, अपना बेड गंदा नहीं करता मतलब? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये बेड जितना आपका है उतना मेरा भी है। मैं चाहूं इस बेड पे कुछ भी कर सकती हूँ मिस्टर खान, जो चाहे। मैं अपने इस बेड पे सॉफ्ट ड्रिंक गिरा सकती हूँ, पिज्जा भी गिरा सकती हूँ, समझे आप? नीचे उतरे, आप नीचे उतरे। ये क्या कर रहे हैं? आपको जो करना है अपने साइड जाके कीजिए। ऑलराइट, फाइन, इनफैक्ट बेटर, मैं खुद यही चाहती थी। अच्छा ही किया आपने, अब मुझे रोज रोज आपसे एक ही बात के लिए झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। मत, पिलों कवर्स भी चेंज नहीं किया आपने। मैं करने वाली थी लेकिन उससे पहले आपने इनको लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया तो मैं क्या करूं? दोनों एरियाज की शांति के लिए एलओसी का होना जरूरी है और उसे रिस्पेक्ट करना भी। लीजिए, कीजिए चेंज। तब तक मैं शावर लेके आता हूं। क्या मिस्टर खान, हमारे बाथरूम में ऑलरेडी शावर है, लेने कहां जा रहे हैं? रियली वेरी फनी। क्या अल्लाह जोया, निकाह हुआ नहीं कि झगड़े शुरू? ऐसे एक बात कहें जोया, सिर्फ साथ रहने से ना सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। और तुम्हें मालूम है सिक्के के दो पहलू होते हैं, जो रहते तो हमेशा साथ हैं लेकिन कभी भी एक दूसरे की तरफ देखते तक नहीं। और वो दो पहलू चाहे अलग होते लेकिन जब मिलते हैं ना तो ही सिक्का पूरा होता है जिसके दम पे सारी दुनिया चलती है, समझी? अच्छा, दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है लेकिन पता है ये रोज रोज की नोक झोंक, तकरार, प्यार में लड़ना झगड़ना, ये सब ना चार दिन की चांदनी, धीरे धीरे ये तकरार इतनी लंबी हो जाएगी कि प्यार के लिए जगह ही नहीं बचेगी। हमारे केस में उल्टा है, हम प्यार के दायरे को इतना बढ़ा देंगे कि तकरार के लिए जगह नहीं बचेगी। तुम अब तक इतनी कोशिश तो कर चुकी हो, कम ऑन, मान भी जाओ। मुझे और मिस्टर खान को कोई नहीं अलग कर सकता। ओ, देखते हैं। ओहो, अगर देखने के मूड में ही हो ना तो कोई भी गलत हरकत करने से पहले एक बार आईने में अपनी शक्ल देख लेना। वैसे तो बिगाड़ने का कोई स्कोप है नहीं, बट डोंट वरी, जोया अहमद खान बहुत क्रिएटिव, केयरफुल। सबसे अच्छा कमरा तो तुमने अपने कब्जे में कर लिया है, हमने भी सोच लिया है हम तो इसी कमरे में रहेंगे। लेकिन 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 क्या, तुम परेशान मत हो, हमसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अरे तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि हम कमरे में हैं या नहीं है, हम है ना इस छोटे से पलंग पर सो जाएंगे और तुम जमीन पर फैल कर आराम से सो सकती हो। है? अरे फरहान,
वो तुम्हारी नौकरानी है ना, उसको कहो हमारा सामान लेकर यहीं पर आ जाए। और देखो कब से हमने गर्म दूध के लिए कहा था, अभी तक नहीं लेके आई, पता नहीं कहां मर गई। तुम जाओ ना, उसको बोलो हमारा सामान ले आए और दूध भी ले आए। अरे तुम चलो ना, उसको बोलो जल्दी आ जाए। हैं या अल्लाह, पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। निकाह के बाद दो दिल मिलकर एक जान हो जाते हैं, लेकिन हम तो और भी दूर हो गए। पता नहीं क्या गलती हो गई मुझसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हैदर, रिया, मिसेस खान, आप मेरा टॉवल रखना भूल गई फिर से। मिसेस खान, मिसेस खान, कैन आई हैव माय टॉवल? मिसेस खान, मिसेस खान, ये मेरा टॉवल नहीं है। एक्चुअली इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगा। खान, आप दरवाजे के पीछे क्यों छिप रही है? अंदर आइए, कम इन। मिसेस खान, दिस इज नॉट फेयर। नाउ यू वेट एंड वॉच। अब आप देखिए, मुझे बाहर आने दीजिए बस। मिसेस खान, मैं देख रहा हूं कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रही है। लगता है वलीमा की बहुत जल्दी है आपको। लीजिए मिस्टर खान, पिलो कम। तनवीर, तू दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। जैमी, हम यहाँ से गुजर रहे थे ना, तो आपकी आवाज सुनी कि आपको टॉवल चाहिए।
तुम टॉवल देने आ गए? तुमने मेरे रूम में आके मेरे शोहर को टॉवल दिया? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जाती क्या हो तुम? पागल हो गई हो? और ये क्या बन के घूम रही हो तुम? मेरे जैसे कपड़े, मेरे जैसे बाल, दिमाग खराब हो गया क्या? जोया, वो जैमी की आवाज सुनी ना, तुम अपने आप को रोक नहीं पाए। और बाय द वे, इन कपड़ों में क्या है? ये कपड़े तो कोई भी पहन सकता है। मैंने सोया को आवाज दी थी, मेरी बीवी को आवाज दी थी, तुम्हें नहीं। And how dare you enter this room? Get out! Jamie, I'm very sorry. हम तो बस आपकी हेल्प करना चाह रहे थे, और कुछ नहीं। और वैसे भी जो काम जोया कर सकती है, हम क्यों नहीं कर सकते? मैं तुम्हें बताती हूँ तुम क्या कर सकते। निकलो यहाँ से। So, आज के बाद ना इस कमरे की तरफ आप समझते क्या हो अपने आप को? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ऐसा सबक सिखाऊंगी ना आज के बाद, मेरे रूम में कदम तो क्या, मेरे रूम की तरफ नजर उठा के मत देखना, समझी? कान खोल के सुन लो, अपनी हद में रहो। और आज के बाद इस कमरे में घुसने की कोशिश की ना, तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी मैं, समझी? या अल्लाह, इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है जोया? हम सिर्फ तुम्हारे कमरे में गए थे, तुम्हारे बिस्तर में तो नहीं गए। और वैसे भी हम पर इतना चिल्लाने से पहले जरा एक बार जैमी से तो पूछ लो, हमें नहीं लगता कि उसे हमारा वहां आना बुरा लगा। वरना अल्लाह कसम, वो हमें इतना कसकर अपनी बाहों में नहीं भरता। तुम कितनी घटिया और कितनी गिरी हुई औरत हो, शायद तुम्हें खुद को नहीं पता। तुम्हें खुद की इज्जत की भी कोई फिक्र नहीं है? मुझे और मिस्टर खान को अलग करने के लिए तुम इस हद तक गिर सकती हो? और ये क्या, मेरे जैसे कपड़े पहन के और मेरे जैसे विग लगा के क्या कर रही हो तुम? या अल्लाह, इतनी नफरत हमसे? और तुम्हारा शौहर, तुम्हारा शौहर कैसा है जोया, जिसे कोई भी औरत तुम्हारे जैसे कपड़े पहनकर, तुम्हारे जैसे विग लगाकर अपने बिस्तर तक ले जा सकती है? वैसे एक बात कहें जोया, हमें नहीं लगता जैमी को तुम्हारे होने से या तुम्हारे ना होने से कोई फर्क पड़ता है। या अल्लाह, ऐसा क्यों? क्यों जोया? सोचो, इत्मीनान से सोचो, सोचो। असद अहमद खान, क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। तनवीर कितनी भी कोशिश कर ले, हमें अलग नहीं कर सकती। मैं मिस्टर खान को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ, और मिस्टर खान मुझे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। अल्लाह, सिद्दीकी साहब, उन्हें तो निकाह में बुलाया ही नहीं गया था।
पर स्थिति के साथ मेरे निकाह में क्या कर रहे थे? तुम यहां? हमसे कुछ काम था? जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो ना। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ आओ, प्लीज आओ। आप मेरे निकाह में आए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? इसलिए